हेलो एवरीवन, हैप्पी गणेश चतुर्थी। निधि क्रिएटिव रेसिपीज़ में स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए चूरमा के लड्डू लेकर आई हूँ। बहुत ही यम्मी रेसिपी है। तो उसके लिए चाहिए हमें आधा कप गेहूं का आटा, आधा कप बेसन और 1/4 कप सूजी। इन तीनों को अच्छे से हम मिला लेंगे। और इसमें बीच में वेल बनाएंगे और उसमें 2 चम्मच हम डालेंगे देसी घी। देसी घी डालकर हम सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। और अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर पर वही डालना है। इसका हम एक सख्त डो लगाएंगे, जैसे हम पूरियों का डो लगाते हैं इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सख्त डो लगा लेंगे। और 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। और 10 मिनट बाद हम इसकी छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। और पहले इसको हम अच्छे हाथों से गोल करके फिर इसको फ्लैट कर देंगे इस तरह से। और मैंने कढ़ाई में रख दिया था घी गरम करने के लिए। तो इसमें हम अपने सब पूड़ियों को डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको स्लो टू मीडियम गैस पर पकाएंगे। गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम अलग अलग तरह के मोदक बनाते हैं। गणेश जी को मोदक बहुत पसंद होते हैं। तो ट्रेडिशनली वैसे तो जो फ्राइड जो मोदक होते हैं वो बनाए जाते हैं, बट आजकल सब अलग अलग तरह से इंस्टेंट मोदक बनाने लग गए हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम चूरमा से ही मोदक ट्राई करते हैं। और ये मोदक सच में बहुत ही टेस्टी बने थे। और ये मेरे ड्राई फ्रूट्स, आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने काजू, बादाम और मखाने लिए हैं। मैंने उसी घी में उनको रोस्ट कर लिया है। और ये देखिए, हम मेरी जो पूड़ियाँ हैं वो तल के तैयार हैं और इनको ठंडा भी हो गया है। और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। एकदम ग्राइंड बारीक पीसना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजीली ग्राइंड हो जाता है। और देखिए, बिल्कुल हमारा ये चूरमा रेडी है। और इसी तरह से हम अपने जो ड्राई फ्रूट हैं उनको भी मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। और उसी कढ़ाई में मैं अपने चूरमे को डालूंगी और थोड़ा सा और इसको हम रोस्ट करेंगे, क्योंकि बूरा या शुगर पाउडर डालने से इसका कलर हल्का हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे हम थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे। ये जो प्रोसेस है ज़रूर करना है। और घी थोड़ा ही डालेंगे और ये थोड़े से ही घी में झटपट बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं, कभी भी आप खा सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको हम कर लेते हैं ठंडा। जब ये ठंडा हो जाए इसमें मैं डालूँगी इलायची के, कूट लिया था मैंने। और ये है 1 कप शुगर पाउडर। और ये बाज़ार की बूरा होती है, ये थोड़ी दरदरी होती है और इससे जो कुरकुरापन बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप किराना स्टोर पे मिल जाता है इजीली तो इसको ज़रूर डालें, नहीं तो शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। बूरा डालने के बाद थोड़ा सा ये ड्राई हो जाता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब थोड़ा गरम घी कर लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी। तो इससे जो है हमारी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। आपको ज़रूरत लगे तो उसे डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। अब कोई भी मॉडल लेंगे। ये मेरे पास दो तरह के सांचे थे, तो मैंने इससे बनाया था पहले।
तो इससे बहुत ही अच्छी शेप बनी थी। ये देखिए इस तरह से हम कुछ जो अपने मोदक हैं कुछ इस शेप से बनाएंगे और उसको अच्छे से हमें दबाना है। और फ्रेंड्स इसको हमें, क्योंकि ये टूट भी जल्दी जाता है, तो आप इस तरह से इसकी शेप बनाकर आप थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख दें, जिससे इसका जो घी है वो जम जाएगा और हमारी जो शेप है एज इट इज बनी रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस शेप के इस तरह प्यारे, और मैंने इनको गार्निश कर दिया था। अब चलिए मोदक के सांचे से इसको बनाते हैं। तो इसमें हम अपने सांचे को अच्छे से भर लेंगे चूरमे को, और ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा मोदक है बन के तैयार हो जाता है। और इसी तरह से हम अपने सभी मोदक तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आप मुझे बताएं कमेंट करके आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।